पर्यटन नगरी डलहौजी के विभिन्न इलाकों में भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। नया मामला में पर्यटन नगरी डलहौजी के विभिन्न इलाकों में भूस्खलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नया मामला तीसा का है, जहां दो और घरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो गई है। घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे दोनों घरों के लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए हैं। ये लोग गाँव में ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ परिवार और माल मवेशियों के साथ रहने लगे हैं। दोनों घरों के लोग रात को सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि घरों को काफ़ी नुकसान हो चुका है और ज़मीन खिसकने की वजह से यह कभी भी गिर सकते हैं। इस बार इन घरों की सूद लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुंचा। घरों में बड़ों के साथ बच्चे भी परेशान हैं। घर वालों ने सरकार और प्रशासन से गुजारिश की है कि इनके घरों को बचाया जाए और इन्हें राहत पहुँचाई जाए। नजीक जो था बहुत घारा पड़ गया है। हाँ। और घर को दरारे बहुत ज्यादा आ गए, और जो घर के साइड किचन था वो भी सारा गिर गया है। और जो हमारे बच्चे वो डरते और नहीं रह पाते हैं। घर हमारा बहुत खतरनाक हो गया है। और सरकार जो है हमारे कुछ यहाँ पर काम करे, प्रोटेक्शन करे, और बहुत खतरा है यहाँ पर, हम रह नहीं सकते यहाँ पर। घर को बहुत ज़्यादा दरारे आ गए, यहाँ पर जो है बहुत खतरा हमारे लिए। हमने ये घर छोड़ दिया है, हमने अपना सामान जो था वो दूसरे के घर में रखा है।